कल शमशाबाद और फतेहाबाद क्षेत्र में एक मुठभेड़ का दो घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 लोग मोटरसाइकिल में जा रहे थे। हमारा जो हमारा सीओ साहब के नेतृत्व में जो फतेहाबाद टीम और शमशाबाद टीम ने व्हीकल चेकिंग कर रहे थे, जो उच्च अधिकारियों के दौरान स्पेशली अवैध शराब मादक जो NDPS चीज़ें हैं और खनन के लिए, तो उसी दौरान और सूचना पर इन तीनों को आमने सामने किए थे ये अपना आगरा शमशाबाद रोड पर। तो मौके पर वो लोग जैसे पुलिस सामने आया तो बाइक से गिर पड़े हैं, उसमें से 2 लोग वहीं रह गए, तो तीसरा जो हेत सिंह है वो भाग गया। विनोद और नवीन मौके पे मिल गए हैं, तो वो लोग तुरंत फायर करने लगे हैं, तो पुलिस भी अपने बचाव में फायर किया, बट कोई घायल नहीं हुआ है। तो तुरंत वो पुलिस उनको घेर के कस्टडी में लिया है, और वहाँ से 2 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं मौके से। और इन लोगों को तो जो शमशाबाद पुलिस गिरा हिरासत में लेकर तत्काल जो भागा हुआ है उनके लिए RTZ में और उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, और तत्काल पूरा पश्चिम और ईस्ट में अलर्ट की गई है इन लोगों का तलाशी में। तो ये व्यक्ति फतेहाबाद में निवोरा तरफ फतेहाबाद के पास निवोरा मोड़ पे पुलिस के सामने आ गए थे। तो जैसे पुलिस के सामने आ गए थे तो ये स्किड होके गिर गया है, और पुलिस नजदीक घेर लिया तो वो फायरिंग करने लगे हैं। उसी दौरान अपना भोला सिंह करके कांस्टेबल है, उनका भी चोट आई है, बुलेट इंजरी हुए हैं, और उसी बचाव में पुलिस भी फायरिंग करने से उसका पैर पर गोली लगी है, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गया है और प्राइमरी करके उसको अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और अपना पुलिस कर्मी में भर्ती है, और उनके खिलाफ विधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना में भी मौके पर एक 315 बोर माई कोका कारतूस, एक जिंदा कारतूस मिली है, और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर का वो भी मिला है। वो पता चल रहा है कि प्राथमिक रूप से ये भी चोरी का गाड़ी है, तो इसका भी तस्दीक कर यदि कार्रवाई की जाएगी। ये इन लोगों से पूछताछ की गई है। सो जो नवीन है, इन लोग नवीन और विनोद है, इन लोगों का ज़्यादातर कार्रवाई अवैध शराब का है। सो इन्हीं के दौरान वांछित भी चल इन लोगों के ऊपर ध्यान भी था पहले से पुलिस का। और ये हेत सिंह, ये तमाम बहुत शातिर क्रिमिनल है, इनका लूट भी है, डकैती भी है इनके ऊपर, और छोटा छोटा चोरियाँ भी है, चोरी का प्रयास भी है, ये हर तरीका की क्राइम कर रहा था। और इस समय फिलहाल फतेहाबाद थाने में 3 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। तो इसी दौरान ये पुलिस टीम का बड़ी अच्छी कार्रवाई के दौरान मिल गई है, अपना लोग बहुत ब्रेवरी दिखाया गया है, अपना जान खतरा में आने के बावजूद अपना बचाते हुए चोर को और मुलजिम को पकड़ लिए हैं। ठीक।